आज हम बनाएंगे गुजरात लाला मूसा के सबसे फेमस मियां जी रेस्टोरेंट की दाल, जो कि मशहूर है अपने तीन दाल के इस्तेमाल और देसी घी के जायके की वजह से। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आधा आधा कप चना दाल, मसूर की दाल और माश की दाल धुला हुआ और एक घंटे भिगा हुआ। दो ग्लास पानी, हल्दी, मिर्च और नमक एक एक टीस्पून डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उबाल आने दें और हल्की आंच पे दाल को गला लें। दाल को साइड करें और एक नए पैन में एक टेबल स्पून देसी घी और एक बारीक चॉप्ड प्याज डालकर कुछ सेकंड फ्राई करें। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट और तीन टेबल स्पून दही डालकर मसाले की भुनाई करें। मसाले की भुनाई हो जाए तो उबले हुए दाल शामिल कर दें। घोटी या मैशर से हल्के हाथ से दाल की घुटाई करें। अब इसमें दो कप पानी शामिल करें, मिक्स करें और 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे पकने दें। दाल के लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, साबुत काली मिर्च और सफेद जीरा एक एक टेबल स्पून भर के। हल्का रोस्ट करें और मोटा मोटा कूट लें और 5 टीस्पून दाल में शामिल कर दें। अब इसमें 4 हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून कटा हुआ धनिया। दाल को अच्छी तरह मिक्स करें और डिश आउट कर लें। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा दाल का स्पेशल मसाला और 3 टेबल स्पून गर्मा गर्म देसी घी से तड़का लगाएं और हमारा बहुत ही मजेदार मियां जी की दाल बिल्कुल तैयार। घर के बने तंदूरी पराठे के साथ एंजॉय करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी।